सभी स्टूडेंट लोगों को राम कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जरा मेरे लिए तालियों का चमत्कार देखिए, तालियां बड़ी कम बजी है और कुछ स्टूडेंट्स अभी से भी प्लानिंग कर रहे हैं क्या होगा एग्जाम का, क्या आज फंक्शन रखती है। प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करवा दीजिए, जो कुछ कुछ जो बातें कर रहे हैं प्लीज छोड़ दीजिए, मेरी तरफ ध्यान रखने देंगे। अभी भी बात कर रही है, देखिए मुझे लेट हो रहा है, मैं मम्मी के पास जा रहा हूं। प्लीज ये सब बातें छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी भर हमारी पढ़ाई चलती रहेगी लेकिन पल भर जो हंसी से जिंदगी निकल जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को इतने आनंद से, इस उत्सव से हम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक की होती है। तो इसी तरह से आप लोगों ने कितनी अच्छी गाली बजाई, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऑडियंस थी, मैंने कई जोक सुनाए, कई फिल्म स्टारों की आवाजें निकाली, लेकिन वहां पर बैठे हुए ऑडियंस ने मेरे प्रोग्राम को देखकर किसी ने तालियां नहीं बजाई। मुझे ऐसा लगा अगर तालियां बजाएंगे तो इनकम टैक्स रेट पड़ने वाले, तो वहां पर खामोशी से बैठकर प्रोग्राम देखकर कोई तालियां नहीं बजाए, मैं बड़ा बोर महसूस किया और प्रोग्राम छोड़कर जाने लगा। जैसे मैं प्रोग्राम छोड़कर जाने लगा गेट पर खड़े वॉचमैन ने मेरे लिए ताली बजाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वॉचमैन कहने लगा आगर हो गया। मैंने कहा मैं जिस स्टेज पे मैं प्रोग्राम कर रहा था आपने मेरे प्रोग्राम को देखकर ताली बजाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वॉचमैन फिर कहने लगा पागल हो गया क्या, मैं तेरे प्रोग्राम को देखकर ताली नहीं बजा रहा, मैं तो यहाँ पे तंबाकू कर रहा। देखिए कभी कभी हम कलाकारों के साथ क्या होता है, एक बार इसी तरह मैं स्टेज पे प्रोग्राम कर रहा था, स्टेज के पास एक छोटा सा बच्चा के रोने लगा, प्रोग्राम कर रहा हूँ तुम स्टेज के पास आके रो क्यों रहे हो। तो बच्चे ने जवाब दिया मेरे मम्मी पापा है ना, मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। बोले क्या, हम कलाकार लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं और तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। मैंने उस बच्चे से पूछा बताओ तुम्हारे पापा है कौन, मैंने उस बच्चे से पूछा बताओ तुम्हारे पापा है कौन, बच्चे ने जवाब दिया इसी बात का तो झगड़ा हो रहा है। और रही बात बच्चों की, कभी कभी हम प्रोग्राम करने के बाद कुछ बच्चे हमारे पीछे भी भागते रहते हैं, भागते भागते जैसे हम लोग स्टेज से उतरे बच्चे पीछे पीछे। एक बार इसी तरह एक बच्चा मेरे पीछे पीछे भाग कर आया और मुझसे कहने लगा अंकल अंकल बहुत अच्छे मिमिक्री किए, मैं आपको एक सवाल पूछूं। मैंने कहा छोटा बच्चा क्या सवाल पूछेगा, अंकल मैं आपको एक सवाल पूछूं। मैंने कहा पूछो अंकल, आसमान में कौन उड़ते हैं। मैंने कहा आसमान में पक्षी उड़ते हैं। अंकल आसमान में पक्षी उड़ते हैं ना, अच्छा उसमें पहचानो नर कौन सी है मादी कौन सी। अब उड़ते हुए पक्षी कैसे पहचानेंगे कि नर कौन सी है मादी कौन सी। मैंने कहा इस सवाल का जवाब नहीं आता, तो बच्चे अंकल नहीं आता, मैं बताऊं अंकल जो पक्षी उड़ रहा है ना वो नर है और जो पक्षी उड़ रही है ना वो मादी है। प्रोग्राम में भागना है, अचानक फोन आ गया जल्दी जल्दी भागना, तो लोकल ट्रेन में अनुसफर करके निकल जाते हैं। लोकल ट्रेन में लेकिन इतनी भीड़ में भी लोकल ट्रेन में भीख मांगने वाले की कमी नहीं, अच्छा नहीं लगता भीख मांगना, लेकिन जो भीख मांगते हैं लोकल ट्रेन के अंदर गर्मी में घुस जाते हैं और भीख मांगते हैं। अब देखिए भीख किस तरह से मांगते हैं, गाना गाकर किस तरह से, देखिए उसी लोकल डब्बे में मैं भी सफर कर रहा था, किस तरह से भी मांग लेता आशिक बनायो आशिक बनायो, ओ मैडम आशिक बनायो आशिक बनायो आपने। अब मैंने भिखारी को देखा इधर बुलाया उसने, इधर आशिक बनाया कि भिखारी बनाया, कहा कि इस तरह से
अरे मुझे देखो, मैं अपनी कलाकारी बताया मैं बड़े बड़े प्रोग्राम में जाता हूँ, बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर मेरे पहचान के गाने इस तरह से नहीं गाते, मैंने उसे गाते बताया इस तरह से। इस तरह से कहो, भिखारी ने जवाब दिया, भिखारी ने जवाब दिया, कितना अच्छा गाया भाई, बहुत सारे गाया भाई, एकदम मस्त गाया भाई, एकदम सारे भाई, भाई काम करो ना, बीपी मांग के दिखाओ। और आजकल आप लोग जानते हैं मोबाइल फोन, काफी लोगों के पास मोबाइल फोन है, एक चिंकू बेचने वाले के पास भी मोबाइल फोन है, करोड़पति के पास भी मोबाइल फोन है। लोग अपने हाथ में रखते थे, आप पूछते थे और भाई कैसे हो, तीनों मोबाइल दिखा देते, ठीक हो, ठीक दिखना चाहिए नया मोबाइल फोन लेना। अब ये मोबाइल फोन पे अगर किसी को एड्रेस या किसी को पता देना हो तो कुछ लोग मोबाइल फोन पे किस तरह से एड्रेस या पता देते, कुछ लोग किस तरह से, हेलो, अरे किसी सर्कल स्टेशन से बाहर आएगा ना, एक सर्कल आएगा नजर नहीं आते, लेकिन सोचिए एक बिजनेसमैन जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जब वो मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो देखिए उनके हाथ के इशारे काम कर जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। हेलो रमणीक भाई, हेलो रमणीक भाई, नहीं आजकल धंधा बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, अरे कल जो माल भेजा ना उसमें बहुत पैसा मिलता है। शाहरुख खान के अंदाज में बता दिया तो मैं भी बता दूं कि शाहरुख खान साहब कितने फैन है, शाहरुख खान के यहाँ बहुत सारे फैन हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा, शाहरुख खान जब भी डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि डायलॉग में बल्कि बकरी बोल रही है। अब डायलॉग इस तरह से पकड़ना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन भी हो। अगर इसी डायलॉग को हमारे पुराने फिल्म के एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमोल पालेकर साहब बोलेंगे गोलमाल फिल्म के, अब ये डायलॉग किस तरह से बोलेंगे अमोल पालेकर, सर कैसे बताऊं सर, अरे सर कैसे बताऊं, डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है सर, लेकिन मेरे पीछे तो मेरा ससुरा पड़ा हुआ है सर, आज तक तो मेरे वड़ा पाव खाने के बीच वागड़े हो गए सर। चलिए आप लोग की फरमाइश, कुछ पुराने कलाकारों के नाम बताए, उस कलाकार के देखिए कितने सारे नाम बता रहे, मैं सभी कलाकारों के वहां से कहा, चलिए चलिए पहले जरूर सबसे पहले शरीर जब ओके ओके डाउन टाइटल साहब तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन मुंबई का सबसे बड़ा डाउन मेरे पापा है, हाँ मेरा तो 2.5 किलो का हाथ उठता है आज हो जाता है, लेकिन मेरे पापा का जब हाथ टूटता है मेरी मम्मी को भी पता नहीं चाहिए। अब किसी ने कहा, हाँ हाँ सभी सभी नाना पाटेकर, अच्छा
राजेश खन्ना, जरूर जरूर राजेश खन्ना, पुष्पा, अरे वो पुष्पा, अरे कौन कहता सात ग्यारह मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन बरसों से तो मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। विनोद खन्ना, ओहो तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि टॉम का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन मैं तो चंपा हूँ, चंपा सिंह, समझ गए नहीं समझी? थैंक यू। इरफान खान, जरूर जरूर इरफान, कमाल कर रहे हो यार। अरे भाई मैं कोई डॉम नहीं, डॉम नहीं, समझ गए आपको, मैं तो वोडाफोन में बिगड़ा हुआ था, क्योंकि वोडाफोन आजकल तो सस्ता हो गया, लेकिन वोडाफोन में सस्ता हो गया, लेकिन डाउन तो मैं पूरा नहीं करता, सही बोल रहा हूँ? थैंक यू। सुनील शेट्टी, सुना है कि डाउन का इंतजार से ग्यारह मुल्कों की पुलिस कर रही है, थैंक यू, थैंक यू। कमाल करते हैं, हमने एक बार कमल कर दी तो कर दिया, समझे? क्योंकि ये अलग है। अमिताभ, एक लाख रुपए। अक्षय कुमार, अरे अच्छी तरह से जानता हूँ कि बच्चों की जान लेना चाहते हो, कितने सारे कलाकारों के नाम बताए? अमिताभ बच्चन, लोग कर लो पार, और डॉट कर तो सात सौ ग्यारह मुल्कों के पुलिस कर सके, हम को पकड़ना मुश्किल है, मुमकिन है। कोई फरमाइश ना भेजिए, मैं खुद निकालूंगा। लीजिए अमरीश पुरी, ओए लाले, ये क्या कर दिया तूने? अरे जीने का मजा तो गोलगप्पे में है, किसी डॉन में नहीं, समझे? खुश हुआ। गुलशन ग्रोवर, ये तो कमाल हो गया, डॉन के पीछे तो प्रेम चोपड़ा, कमाल कर दिया, बस स्कूल छुटाएगी तो गोबर नहीं, गाना नहीं आएगी, बल्कि गोबर डालेगी, प्रेम ना नैनरा, प्रेम चोपड़ा। ओके थैंक यू, काफी सारी आवाजें मैंने निकाली। आइए अब कुछ फिल्म स्टारों का डांस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप लोगों ने फिल्म, आइए कुछ फिल्म स्टारों का डांस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हर एक कलाकारों का डांस आपके सामने पेश करूंगा। मैंने गाना चॉइस किया, फिल्म का नाम है अपना सपना, मनी मनी, उस फिल्म में गाना था देखा तो मुझे यार दिल में बजी गिटार। अब उस गाने में डांस किसने किया था, कौन से सोचिए, अगर इसी गाने के ऊपर, अगर हमारे फिल्म स्टार इस गाने के ऊपर डांस करेंगे तो हर एक कलाकार का डांस पेश करूंगा।
गया।